Good morning to all. Today we will learn how the thermostat work, means what is the working principle of thermostat. तो working principle start करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि thermostat का principle क्या होता है, thermostat काम क्या करता है. Generally thermostat is used to control the temperature. ये जो thermostat है ये refrigerator में, air conditioning में, water coolers में and diffusers में use किया जाता है. तो इसका जो basic principle होता है, it is used to control the temperature. तो आइए हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि हमें यह तो पता है कि थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है, बट कैसे हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ये थर्मोस्टेट कैसा काम करता है, इसका हम थोड़ा डीप में स्टडी करते हैं. तो बिफोर स्टडी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा थर्मोस्टेट का, दिस इज द इंटरनल सर्किट ऑफ द थर्मोस्टेट. हम देखते हैं पहले ये कंपोनेंट्स क्या क्या इसमें यूज होते हैं. तो आइए हम देखते हैं. जैसा कि आपको दिख रहा है थर्मोस्टेट कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी, ये आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट एक बॉडी है. जिस बॉडी के अंदर आप देख रहे हैं एक बिलो है, ये जो बिलो है इसका एक्सपांशन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, मतलब ये फूलता है और सिकुड़ता है. उसके बाद आप देखिए एक मूवेबल लीवर है, एक फिक्स्ड लीवर है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है. ठीक है, तो ये जो मूवेबल लीवर है इससे गया है हमारा फेस, और ये जब फेस कॉन्टेक्ट में आता है फिक्स्ड रॉड के, ठीक है, तो यहां पर यह जाता है स्टार्टिंग रिले को. दिस इज द स्टार्टिंग रिले, दिस इज द डिफरेंशियल स्क्रू, दिस इज द रेंज एडजस्टमेंट स्क्रू, दिस इज द डिस्क, दिस इज द स्प्रिंग, एंड जो बिलो से कनेक्टेड है दिस इज द सेंसर एंड दिस इज द फिलर बल्ब. तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये थर्मोस्टेट का पूरा कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल इससे आपको समझ में आएगा. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कंपोनेंट्स का नाम किस तरह से, आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ये थर्मोस्टेट किस तरह से काम करता है. जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा बिलो है, ठीक है, यहां पे आप देखिए बिलो से कनेक्टेड है सेंसर और फिलर बल्ब. ओके, तो ये जो हमारा सेंसर होता है सर, इसके अंदर होता है एक वोलेटाइल लिक्विड. अब आपको ये जानना, अब आपको ये पता करना होगा कि व्हाट इज द वोलेटाइल लिक्विड. वोलेटाइल लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि कम टेम्परेचर पे भी बॉइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनका की बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. ओके, तो जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कम टेम्परेचर पे भी वो उबलना बॉइल होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो आइए अब हम समझते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल. जनरली आपको पता है थर्मोस्टेट जो होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है. ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं. ये देखिए आप, ये है बिलो. तो बिलो जो है अभी हमारी नॉर्मल पोजीशन में है. तो फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि सपोज हमारा एक रेफ्रिजरेटर है, जिस रेफ्रिजरेटर के अंदर ये थर्मोस्टेट लगा है, और जो रेफ्रिजरेटर है सर हमारा वो रूम टेम्परेचर पे. जब रेफ्रिजरेटर रूम टेम्परेचर पे होगा, फॉर एग्जाम्पल उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रूम टेम्परेचर है, तो मेरा रेफ्रिजरेटर का जो अंदर थर्मोस्टेट लगा है, मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूं कि उसका टेम्परेचर भी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो ये जो सेंसर है, इस सेंसर के अंदर जो वोलेटाइल लिक्विड है, जैसा कि आपको मैंने बताया उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, वो क्या होगा सर, वो बॉइल होना स्टार्ट होगा. तो वो वोलेटाइल लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा. तो वेपर में कन्वर्ट होने से क्या होगा, ये जो बिलो है, ये जो बिलो है जब 25 डिग्री पे है तो ये ओपन कंडीशन में, ओपन कंडीशन में है मींस क्या है, इसका एक्सपांशन हुआ है, इसका एक्सपांशन हुआ है, जिसके कारण इसका प्रेशर बढ़ गया है. किससे बढ़ गया है, स्प्रिंग से बढ़ गया है. ठीक है, हम यहां पे कंपैरिजन करेंगे बिलो और स्प्रिंग का. अगर बिलो का प्रेशर स्प्रिंग के प्रेशर से ज्यादा होता है तो क्या होगा, ये जो हमारा मूवेबल रॉड है, ये जो लीवर है, ये कॉन्टेक्ट में आएगा फिक्स्ड रॉड के. ओके, तो ये क्या होगा, इससे कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, मतलब ये हम इसको बोल सकते हैं क्लोज्ड कंडीशन. तो जब भी ये क्लोज्ड कंडीशन में होगा तो ये सप्लाई जाएगा फेस से हमारा स्टार्टिंग रिले को, स्टार्टिंग रिले जो कि कंप्रेसर में लगी होती है, जो कि कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम करती है. तो इमीडिएटली कंप्रेसर को ये स्टार्ट कर देगी. क्यों कर देगी सर कंप्रेसर को स्टार्ट ये, क्योंकि जैसा कि आपने देखा अभी जो रूम टेम्परेचर है मेरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो थर्मोस्टेट मेरा क्या सेंस करेगा कि फ्रिज के अंदर काफी गर्मी है. ठीक है, जिससे कि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और फ्रिज के अंदर मुझे कूलिंग चाहिए. ठीक है, कोई भी कंपार्टमेंट आप ले सकते हैं, जैसे फ्रीजर कंपार्टमेंट है तो उसके अंदर मुझे कूलिंग चाहिए. तो कूलिंग के लिए क्या करना होगा, स्टार्टिंग रिले जब इसके यहां से सप्लाई जाएगा फेस से, स्टार्टिंग रिले चालू होगा तो वो स्टार्ट करेगी कंप्रेसर को, जिससे कि मेरा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और फ्रिज को कूलिंग मिलना स्टार्ट होगी. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनिशियल कंडीशन में, ये जो बिलो होता है ये एक्सपांड होता है, मतलब इसका प्रेशर स्प्रिंग के प्रेशर से ज्यादा होता है, जिससे कि ये लीवर जो है मूवेबल और ये जो फिक्स्ड है ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं, जिससे कि फेस से सप्लाई मेरा स्टार्टिंग रिले को जाता है और कंप्रेसर मेरा स्टार्ट होता है. ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन हमारे किसी भी थर्मोस्टेट की रूम टेम्परेचर में इस प्रकार होती है. ओके, तो जैसे ही मेरा कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो आपको पता है
कि कॉम्प्रेसर जो मेरा स्टार्ट हुआ है वो धीरे धीरे फ्रिज को ठंडा करना स्टार्ट करेगा। मीन्स जो टेम्परेचर 25 डिग्री था रूम टेम्परेचर पे, वो धीरे 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 करके माइनस में जाना स्टार्ट होगा। तो उससे क्या होगा, जैसे आपको मैंने बताया ये जो बिलो होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्सपांड होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो प्रेशर है स्प्रिंग के प्रेशर से कम हो जाएगा। मीन्स इसका प्रेशर कम होने से ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा और स्प्रिंग का प्रेशर बढ़ेगा तो स्प्रिंग का टेंशन बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे स्प्रिंग का टेंशन बढ़ता जाएगा तो ये जो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं ये आपस में दूर होना, अलग होना स्टार्ट होंगे, जिससे कि मेरा कॉम्प्रेसर बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा फेस से रिले को सप्लाई नहीं जाएगा, या ये दोनों पॉइंट कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे तो फेस से रिले को सप्लाई नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा बिलो काम करता है, थर्मोस्टेट जो काम करता है बिलो के एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन पे काम करता है। अगर वो रूम टेम्परेचर पे है तो रॉड इसके कॉन्टैक्ट में रहेगा, फेस से स्टार्टिंग रिले को सप्लाई जाएगा और कॉम्प्रेसर स्टार्ट होगा। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा टेम्परेचर माइनस में जाएगा, या जो भी थर्मोस्टेट का कट ऑफ पॉइंट होगा जब वो टेम्परेचर अचीव करेगा देन ये इसको अलग कर देगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे कि फेस से सप्लाई रिले को बंद हो जाएगा। तो ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल हो गया। उसके लिए सर ये कि फिलर बल्ब लगा होता है जो टेम्परेचर को सेंस करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ अगर रेफ्रिजरेटर का, तो रेफ्रिजरेटर अगर मैं बात करें तो ये इवोपरेटर कॉइल में लगा होता है फिलर बल्ब जो कि उसका टेम्परेचर सेंस करता है। ठीक है, वही टेम्परेचर सेंस करके फिलर बल्ब सेंसर के थ्रू बिलो को इन्फॉर्मेशन देता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट होना है या एक्सपांड होना है। ठीक है सर, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया थर्मोस्टेट का। इस तरह से ये स्टार्टिंग रिले को के थ्रू कॉम्प्रेसर को ऑन करता है और ऑफ करता है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर दो टर्म्स और ही हैं। देखिए, एक है रेंज एडजस्टमेंट स्क्रू। तो सर ये रेंज एडजस्टमेंट स्क्रू क्या होता है, जनरली इसे हम नॉब भी बोलते हैं। आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर एक नॉब होती है, ठीक है, इसके अंदर एक डिस्क लगी होती है और इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है। ओके, तो ये रेंज एडजस्टमेंट स्क्रू है जिससे कि हम इसका टेम्परेचर कम और ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे फ्रिज के अंदर कूलिंग कम है, मुझे कूलिंग का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपको पता है थर्मोस्टेट के नॉब पे तीन सेटिंग्स होती है, मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम। अगर मुझे कूलिंग का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो मैं इसके नॉब को एडजस्ट करके मैक्सिमम पे कर देता हूं। तो मैक्सिमम पे करने से क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो है टेंशन वो कम हो जाता है। स्प्रिंग का टेंशन कम होने से क्या होता है, स्प्रिंग का जो एक्सपांशन है वो कम हो जाएगा। तो ये जो मूवेबल रॉड है ये कॉन्टेक्ट की तरफ इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जिससे कि ये कॉन्टेक्ट में जल्दी आएगी और कॉम्प्रेसर मेरा जल्दी स्टार्ट मारेगा या ज्यादा टाइम तक स्टार्ट रहेगा, जिससे कि फ्रिज के अंदर कूलिंग मेंटेन रहेगी या जल्दी कूलिंग होगी। ओके, सिमिलरली अगर इसका अपोजिट लेते हैं तो रेंज एडजस्टमेंट स्क्रू है, अगर मुझे फ्रिज के अंदर कूलिंग का रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी मेरा फ्रिज ठंडा है, उसे जब मैं मिनिमम पर सेट कर दूंगा तो स्प्रिंग में हम टेंशन जनरेट करते हैं, जिससे कि स्प्रिंग थोड़ा सा एक्सपांड होती है, टेंशन क्रिएट होता है, जिससे कि इन दोनों के बीच में गैप थोड़ा सा बढ़ जाता है। गैप बढ़ने से क्या होगा, ये पॉइंट जो है, ये जो फेज वाला पॉइंट है, ये स्टार्टिंग रिले के कॉन्टेक्ट में देरी से आएगा। ठीक है, देरी से आने से क्या कारण क्या होगा, जो कूलिंग ऑलरेडी अचीव है वो कॉम्प्रेसर को स्टार्ट नहीं करेगा और फिर हमें जितनी कूलिंग चाहिए उतनी कूलिंग मिलेगी। तो बेसिक प्रिंसिपल रेंज एडजस्टमेंट स्क्रू का होता है स्प्रिंग के टेंशन को कम करना और बढ़ाना, जिससे कि ये मूवेबल रॉड जो है फिक्स्ड रॉड के कॉन्टेक्ट में कब जल्दी आएगी कब देरी से आएगी, ये डिपेंड करता है इस नॉब सेटिंग के ऊपर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रेंज एडजस्टमेंट स्क्रू किस तरह से काम करता है। आइए अब देखते हैं, यहां पर एक और स्क्रू है, डिफरेंशियल स्क्रू। ठीक है, तो डिफरेंशियल स्क्रू को समझने पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंशियल। डिफरेंशियल जनरली क्या होता है कि ये जो मूवेबल और कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस फिक्स रहता है। ये डिस्टेंस जो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है तीन डिग्री डेल्टा है। तो जनरली ये सेट करता है डिफरेंशियल स्क्रू कि व्हाट इज द कट इन टेम्परेचर एंड कट आउट टेम्परेचर ऑफ कॉम्प्रेसर। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इनके बीच का डिस्टेंस अगर 3 डिग्री है और अगर मेरा रूम का टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो अगर ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या होगा, जब ये दोनों पॉइंट्स 3 डिग्री है तो जैसे टेम्परेचर 3 डिग्री कम होगा, 24 से 21 डिग्री होगा, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, कट ऑफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस 3 डिग्री है। ठीक है, वैसे ही अब ऑन कब होंगे, 21 डिग्री हो गया तो ये कट ऑफ हो गया, और 21 से अगेन ये 24 डिग्री होगा तो अगेन ये कट इन हो जाएगा। तो इसी तरह से थर्मोस्टेट में क्या होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम सेटिंग पे या वार्म और कोल्ड सेटिंग पे इसका डिफरेंशियल स्क्रू के थ्रू जो सेटिंग फिक्स रहती है, जो कि डिजाइन टीम, R&D टीम, किसी भी अप्लायंसेस के लिए फिक्स रहती है। मे बी वो डिस्टेंस 3 डिग्री हो सकता है, 4 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है।
तो डिफरेंशियल स्क्रू से हम कट इन और कट आउट का जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस मेंटेन करते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको पूरा थर्मोस्टेट का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा कि थर्मोस्टेट में बेलो किस तरह से काम करता है। इसके अंदर वोलेटाइल लिक्विड होता है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ओके, रेंज एडजस्टमेंट स्क्रू जो नॉब होती है जिससे आप टेम्परेचर कम और ज्यादा कर सकते हैं। डिफरेंशियल स्क्रू जो कि कट इन और कट आउट के टेम्परेचर को सेट करता है, जो कि एक फिक्स्ड डिफरेंस रहता है, जो कि डिजाइन के टाइम पर ही फिक्स रहता है किसी भी इंडस्ट्री का। ओके, तो ये इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल हो गया थर्मोस्टेट का। आइए अब मैं आपको इसका चेकिंग मेथड भी बताता हूं जो कि बिल्कुल सिंपल है। कई बार इंजीनियर हमारा कंफ्यूज रहता है कि थर्मोस्टेट को हमें किस तरह से चेक करना है। तो थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए, अगर यह थर्मोस्टेट मेरा रूम टेम्परेचर पे है, मीन्स 25 डिग्री पे है, जब बेलो मेरा नॉर्मल पोजीशन पे है, नॉर्मल पोजीशन पे है तो क्या होगा, ये एक्सपांड होगा तो दोनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, कॉन्टेक्ट में रहेंगे। जब ये दोनों पॉइंट्स कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो जो थर्मोस्टेट के अंदर दो पॉइंट्स रहते हैं, फेज और न्यूट्रल, जिसमें हम सप्लाई देते हैं, आप उनको रिमूव कर दीजिए, ठीक है, और मशीन ऑफ कंडीशन में रहेगा, आप मल्टीमीटर लीजिए, उसको कंटिन्यूटी पे सेट कीजिए। जब आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे और जब दोनों पॉइंट्स पे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो बीप साउंड आएगा। क्यों आएगा बीप साउंड, जो कि इस डायग्राम से क्लियर है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स कॉन्टेक्ट में रहेंगे, ये दोनों पॉइंट्स कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो एक क्लोज सर्किट बनेगा जिससे कि मेरा थर्मोस्टेट बीप साउंड देगा। इसका मतलब मेरा थर्मोस्टेट ओके है। अगर थर्मोस्टेट बीप साउंड नहीं देता है, इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ये पॉइंट्स कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो मेरा थर्मोस्टेट क्या है, डिफेक्टिव है। एक और तरीका, अगर थर्मोस्टेट मेरा कूलिंग पोजीशन पे है, मींस मेरा बेलो जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, टेम्परेचर मेरा थर्मोस्टेट के अंदर जो सेंसर है और जो फिलर बल्ब है इसने सेंस किया काफी माइनस में है, उस टाइम पर ये दोनों ओपन कंडीशन में रहेंगे, तो अगर आप उस टाइम पे चेक करेंगे इसका कंटिन्यूटी तो वो बीप साउंड नहीं बताना चाहिए, इसका मतलब थर्मोस्टेट ओके है। तो रूम टेम्परेचर पे थर्मोस्टेट को बीप साउंड बताना चाहिए, ठीक है, और अगर टेम्परेचर माइनस में है, ठीक है, जो भी इसका कट इन कट आउट टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर ये माइनस में है तो बीप साउंड नहीं बताना चाहिए। एक मेथड तो ये हो गया थर्मोस्टेट को चेक करने में। दूसरा, इसमें जो सप्लाई जाता है थर्मोस्टेट में फेज और न्यूट्रल में, वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई जाता है, जो ऑन कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं कि इस पर जो सप्लाई है टोटल वो 220 वोल्ट एसी है। ओके, तो दिस इज द चेकिंग मेथड ऑफ थर्मोस्टेट एंड दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट की जो बॉडी होती है इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो पूरा काम करता है बिलो के ऊपर, बिलो के एक्सपांशन और बिलो के कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। तो आई होप कि आपको थर्मोस्टेट का वर्किंग प्रिंसिपल और चेकिंग मेथड समझ में आया होगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट जो टेक्निकल वीडियोस हैं मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है और उनका फंक्शन क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।